नमस्कार, मैं हूँ पोयम डालमिया, स्पिरिचुअल हीलर और आपकी वेलनेस कोच। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पुराणों की कथा के अनुसार रुद्राक्ष शिवजी के नेत्र का जल बिंदु है। रुद्राक्ष के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक धारियां खींची रहती हैं। इन्हें मुख कहा जाता है। इन्हीं धारियों के आधार पर एक मुखी से लेकर 14 मुख तक रुद्राक्ष सभी वृक्ष पर फलते हैं। जिस रुद्राक्ष में स्वयं छिद्र होता है, चाहे कोई भी मुख का हो, अपने गुण धर्म के आधार पर श्रेष्ठ होता है। बाकी के रुद्राक्ष में छेद किया जाता है, जो मध्यम होता है। ऐसे ही छेद वाले रुद्राक्ष ज्यादातर आपको मार्केट में मिलेंगे। रुद्राक्ष के मुख से उसकी उपयोगिता और स्वभाव का ज्ञान होता है। रुद्राक्ष धारण करने के उपरांत किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं होता तथा प्रत्येक मनुष्य, पुरुष, स्त्री तथा बच्चे इसे धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है, हृदय रोग वालों के हृदय को मजबूत करता है, जिनका दिल घबराता है, बार बार उनको घबराहट होती है, कमजोरी से दिल धड़कता है, चलने फिरने में थकावट तथा जिनके दिमाग में तनाव, अशांति व अधिक सोच विचार, आपका माइंड पूरे टाइम चलता ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, उनके लिए रुद्राक्ष धारण करना अति लाभदायक है। रुद्राक्ष जो है आपका, एक तो मनुष्य को ये स्वस्थ रखता है और खुश दिल बनाता है। यह परिवार के सदस्यों के मध्य विचारों का सामंजस्य बढ़ाता है और सहायक मित्रों का दायरा बढ़ाता है। अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए, प्रोस्पैरिटी के लिए, वेल्थ के लिए, अबंडेंस के लिए रुद्राक्ष अच्छा रहता है। रुद्राक्ष को रविवार या सोमवार को सूर्योदय के समय गला, भुजा या कमर पर आवश्यकता अनुसार धारण किया जा सकता है। रुद्राक्ष किसी भी धातु की चेन, सोने या चांदी या लाल रंग के धागे में पहनना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष को दोनों तरफ से, इधर लेफ्ट और राइट, जो सोने की टोपियां होती हैं, कैप, उसको लगवाकर सोने की चेन में डालकर पहनना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि कितने मुखी रुद्राक्ष किस लिए होता है और इसको पहनने का क्या फायदा है। चलिए हम बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में कि ये आपको कैसे फायदा पहुंचाता है। एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के स्वरूप जैसा ही होता है। इसे धारण करने से सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होती है। यह राजनीति से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के लिए उत्तम है। इसको धारण करने वाले में क्रोध और घृणा आदि खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। इसको धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है और मित्रों में वृद्धि होती है। घर में अटूट धन, लक्ष्मी आदि का वास होता है और व्यापार में भी सफलता मिलती है। अब मैं आपको बताती हूँ दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में। दो मुखी रुद्राक्ष शिव और पार्वती का स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से व्यक्ति का मानव शरीर स्वस्थ रहता है और मानसिक संतुलन भी बना रहता है। घर में अगर पारिवारिक कलेश है तो यह रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो ये पारिवारिक कलेश को दूर कर आपसी संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने में बहुत मदद करता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आपका शयन कक्ष यानी कि बेडरूम दक्षिण पूर्व दिशा में है तो पति पत्नी के आपसी मतभेद उनको तलाक तक खींचकर ले जा सकते हैं। अगर दक्षिण पूर्व में शयन कक्ष है तो दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को, दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु, महेश
का स्वरूप माना जाता है। यह व्यक्ति में वात, पित्त और कफ दोषों का संतुलन बनाए रखने में बहुत मदद करता है और व्यक्ति में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति का कारोबार में मन लगता है और रात को गहरी और अच्छी नींद आती है। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ खुलते शयन कक्ष वाले व्यक्तियों को तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब बात करते हैं चार मुखी रुद्राक्ष के बारे में। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए इजी रहेगा। चार मुखी रुद्राक्ष जो है, ये ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। यह रुद्राक्ष विद्यार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स व अध्ययन करने वालों के लिए शुभ है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ाता है। अगर आपके घर के बीच में कोई वास्तु दोष हो तो घर के बीचों बीच किसी दीवार के साथ पांच दाने चार मुखी रुद्राक्ष को टांग दीजिए और साथ ही साथ घर में प्रत्येक व्यक्ति को यह रुद्राक्ष अपने शरीर पर धारण करना चाहिए, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। अब बात करते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्राक्ष परमेश्वर का स्वरूप माना गया है। यह रुद्राक्ष व्यक्ति के हृदय और मन को शांत कर दिमाग को शीतल रखता है। पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है। अब इसके बाद छह मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि मैं आपको सारे ही जितने भी हमारे रुद्राक्ष हैं उनके बारे में धीरे धीरे एक्सप्लेन करती जा रही हूं। तो छह मुखी रुद्राक्ष के बारे में हम बोलते हैं कि इनका जो स्वामी है वो कार्तिकेय जी है। इनको, इस रुद्राक्ष को कार्तिकेय जी का स्वरूप माना गया है। यह स्मरण शक्ति यानी कि आपकी मेमोरी को विकसित कर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। स्त्री रोग जैसे दमा, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों को दूर कर शरीर को स्वस्थ बनाता है। जिंदगी की प्रत्येक छोटी बड़ी समस्याओं में विजय प्रदान करवाता है। छह मुखी रुद्राक्ष तक हमने बात कर ली, अब चलते हैं सात मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करने के लिए। जो सात मुखी रुद्राक्ष है, यह लक्ष्मी जी का स्वरूप है। सात मुखी रुद्राक्ष व्यापार में लाभ व वृद्धि करवाता है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों में तरक्की के रास्ते बनाता है, यानी कि नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको देता है सात मुखी रुद्राक्ष। घर में सुख शांति बनाए रखता है और अनावश्यक अननेसेसरली जो आपके खर्चे होते हैं उनको कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्राक्ष श्री गणेश जी का स्वरूप है। यह रुद्राक्ष आपके जो विरोधी हैं, विरोधियों के विरोध और द्वेष को बदलकर उन्हें मित्र बनाता है, यानी कि आपकी तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड करवाने में मदद करता है। निरंतर उथल पुथल और बाधाओं के सताए हुए व्यक्ति में आठ मुखी रुद्राक्ष अगर वो पहनते हैं तो आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं नौ मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह जगदम्बा नव दुर्गा का स्वरूप माना गया है। अनिष्ट ग्रहों की दशा अंतरदशा में यह रुद्राक्ष अगर पहनते हैं तो यह आपकी रक्षा करता है। यह रुद्राक्ष गृहस्थ जीवन की समस्याओं को दूर कर व्यक्ति के आत्मबल में वृद्धि करता है। हृदय रोग और दमे में भी ये जो रुद्राक्ष है स्वास्थ्य रक्षक है। यह व्यक्ति में नेतृत्व गुण बढ़ाकर साहस, यश और भाग्य में वृद्धि करता है। अब बात करते हैं दस मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। जो दस मुखी रुद्राक्ष है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिन व्यक्तियों के कक्ष का प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री पूर्व दिशा में है उन्हें दस मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। यह रुद्राक्ष दसों दिशाओं में व्यक्ति के यश में वृद्धि करता है और राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। यह व्यक्ति में आत्मविश्वास व स्मरण शक्ति बढ़ाता है।
अब बात करते हैं एकादश, एकादश मुखी यानी कि 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्र का स्वरूप माना गया है। यह रुद्राक्ष मन, बुद्धि तथा शरीर को निरोगी और बलिष्ठ बनाता है। अपने जीवन में संघर्षरत व्यक्तियों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए इस रुद्राक्ष का मूल्य अनमोल है। यह मानसिक शांति देता है और व्यक्ति को प्रसन्न बनाए रखता है। दूसरों के मन की बात जान लेने के गुणों में वृद्धि करता है। आपके इंट्यूशन पावर को बहुत अच्छा करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, सिक्स सेंस को बहुत अच्छा करता है। अगर आपके मकान का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा यानी कि साउथ में है तो यह रुद्राक्ष आप जरूर धारण करें, बहुत लाभ होता है इससे। अब बात करते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्राक्ष भगवान सूर्य देव का स्वरूप है। यह शादी संबंधों में रुकावट को दूर कर आपसी प्रेम भाव को बढ़ाता है, गर्भपात को रोकता है और स्वस्थ संतान के जन्म में सहायक है। इसको धारण करने से व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं काफी उच्च होने लगती हैं एवं व्यक्ति के चेहरे पर खुशी उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्राक्ष स्वर्ग के राजा इंद्र का स्वरूप है। अगर यह रुद्राक्ष आप धारण करते हैं तो यह रुद्राक्ष व्यापार में सफलता दिलाकर समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। इसको धारण करने से मन में सात्विक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगती है और मन में छल कपट या धोखा करने के विचार नहीं आते। रिश्तेदारों व संबंधियों में सम्मान होने लगता है। नया कार्य व व्यापार शुरू करने से पहले अगर आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसमें सफलता की जो आपके अवसर हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे हम 14 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। यह रुद्राक्ष भगवान शिव त्रिपुरारी का स्वरूप माना गया है। यह रुद्राक्ष मन को शांत कर बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। हृदय रोग, कैंसर आदि में रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। 14 मुखी रुद्राक्ष रात को पानी में अगर आप डालकर रख दें और सुबह इस रुद्राक्ष को पानी से आप निकाल लें और उस पानी को अगर आप पिए तो ये शरीर के अनेक रोगों में आपको लाभ पहुंचाना शुरू कर देता है। यह मन को एकाग्र कर पूजा पाठ में व्यक्ति का मन लगाने में बहुत मदद करता है। अब बात करेंगे गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में। जब प्राकृतिक रूप से कभी कभी रुद्राक्ष आपस में जुड़े रहते हैं तो हम उन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष के नाम से जानते हैं। इस रुद्राक्ष को भगवान शंकर तथा आदि शक्ति माँ पार्वती का स्वरूप माना गया है। अगर घर में किसी भी किस्म का कोई भी वास्तु दोष है तो उसकी शांति के लिए गौरी शंकर रुद्राक्ष, घर में जो आपका मंदिर है जहाँ पूजा करते हैं तो पूजा स्थान पर इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को आपको रखना चाहिए। यह मानसिक शांति, धन वैभव और सफलता देता है। यह रुद्राक्ष घर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाता है। सभी रुद्राक्ष जो हैं समस्त जीवन की मनोकामना को पूर्ण करते हैं तथा सुख शांति प्रदान कर मान सम्मान में भी वृद्धि करते हैं। असली रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो असली रुद्राक्ष को पहनते ही उसके गुण वाला गुण आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक जो कि रुद्राक्ष के बारे में था, क्योंकि बहुत सारे लोग रुद्राक्ष के बारे में पूछते हैं कि हमें कौन से कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। तो ये मैंने आपको एक डिटेल इसका पूरा बताया है रुद्राक्ष के बारे में, कि आपको अगर इससे रिलेटेड कुछ भी लगता है, कि जैसे आप वीडियो को पूरा देखें तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अपने पहले वीडियो में जो हमारा सॉल्ट है उसके बारे में बात की थी कि हमें हर महीने का जो फर्स्ट संडे होता है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ब्लॉकेजेस आ रहे हो मनी को लेके, वेल्थ को लेके, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो, तो मैंने एक सॉल्ट की रेमेडी के बारे में भी बात की थी अपने पहले वाले वीडियो में। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक रिमाइंडर दे दूं कि फर्स्ट संडे जो है इस महीने के, अप्रैल के, आप ये करके देखिए और आप मेरा वीडियो भी एक बार वापस से यूट्यूब पर देख लीजिएगा, उसमें सारी डिटेल्स हैं। तो आप अगर सॉल्ट रेमेडी करते हैं अपने घर में हर महीने के फर्स्ट संडे को, तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं मनी से रिलेटेड या कोई भी घर में इश्यू आ रहा है, तो ये उसको हटाने में, उसको उस प्रॉब्लम को खत्म करने में ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको हेल्प करती है। क्योंकि ये मैं अपने भी जो हर महीने का जो फर्स्ट संडे आता है, तो ये मैं खुद भी करती हूँ और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो आप भी प्लीज़ इसको वीडियो देखने के बाद आप इसको ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। और हर महीने कोशिश करिए, ध्यान रखना है कि हर महीने के फर्स्ट संडे को आपको सॉल्ट वाला रेमेडी करना है। आई होप आपको जो मेरा रुद्राक्ष से रिलेटेड आज का वीडियो जो टॉपिक था वो भी अच्छा लगा हो, वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे बाकी लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले। और हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और रुद्राक्ष से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी और भी क्वेरी है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो हमारे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे को क्वेरी रहती है, तो आप दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।